हेलो एवरीवन, क्लास टू सेमेस्टर टू पेज नंबर 94। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट द नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच व्हीकल गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट्स, नीचे कुछ गाड़ियों का नाम दिया गया है, उनके कितने व्हील्स हैं उनका नंबर लिखिए। यहाँ पर देखिए, कार कार का कितना पहिया होते हैं? फोर, है ना। सेकंड में देखिए, स्कूटर स्कूटर के कितने होते हैं? दो, दो व्हील्स होते हैं, टू व्हील्स। ओके, बस बस का कितने होते हैं? किसी का फोर होते हैं, आगे दो और पीछे दो, और किसी किसी का आगे दो पीछे चार होते हैं, है ना, दो दो होते हैं। और किसी किसी का आगे दो और पीछे कितने होते हैं? छः होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप छः लिखेंगे। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? बाईसाइकिल, साइकिल के कितने होते हैं? टू व्हील्स। ओके, राइट डाउन। लेट्स बिगिन। एयर ट्रांसपोर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल थ्रू एयर। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट अब सभी को पता है ना। डियर स्टूडेंट्स, इसमें परिवहन के साधन शामिल है जो हवा के माध्यम से यात्रा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जो हवा के माध्यम से हम यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह परिवहन का सबसे तेज तरीका है। एरोप्लेन, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी हाई एट ए वेरी हाई स्पीड। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए नंबर ऑफ पीपल अ टाइम। द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड ए पायलट। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब सभी लोग एरोप्लेन देखा है? येस और नो? येस। इसमें काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इसे जो चलाता है उसे क्या कहा जाता है? पायलट। ओके, एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट। एट एयरपोर्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर ये टेक ऑफ और लैंड करती है? एयरपोर्ट पर। यहाँ पर पिक्चर में देखिए। ओके, हेलीकॉप्टर, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हेलीकॉप्टर देखा होगा। येस और नो? येस। ए हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई बट नॉट एज हाई एज एन एरोप्लेन। इट कैन कैरी ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हेलीकॉप्टर देखा होगा, ये ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकती जैसे एरोप्लेन उड़ती है। ओके, यह सिर्फ कुछ लोगों को ले सकती है। एरोप्लेन में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें अराउंड 10, 15, 6 ऐसे लोगों को ही ले सकती है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल अक्रॉस वाटर। डियर स्टूडेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट आप सभी को पता है, इसमें परिवहन के साधन शामिल हैं जो पानी में यात्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, सेल बोट, ए सेल बोट यूजेस विंड टू मूव। डियर स्टूडेंट्स, सेल बोट किसके जरिए चलती है? हवा के माध्यम से चलती है। इट इज़ यूज टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस ओवर रिवर्स एंड लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, सेल बोट कहाँ पर चलती है? नदियों में और झीलों में। ओके, डियर स्टूडेंट्स, सेल बोट से हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, सिर्फ
झीलों में, नदियों में ही जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिप। ए शिप कैन ट्रैवल अक्रॉस सीज एंड ओशंस। इट कैरीज गुड्स पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये स्टूडेंट्स, शिप आप सभी लोग देखा होगा, यहाँ पर पिक्चर में देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जहाज देखा होगा, शिप देखा होगा, है ना। जहाज से हम एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं। ओके, इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। शिप से हम गुड्स भी लेकर जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पीड बोट। ए स्पीड बोट इज ए स्मॉल बोट, इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग स्पीड बोट देखा होगा, देखा है कि नहीं? यस, ये बहुत तेज़ी से चलती है। ओके, यहाँ पर देखिए पिक्चर में, टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। ट्रेन क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड नंबर, हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट। और सेल बोट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, मैच कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दे टेक अस टू आवर प्लेस टू वर्क, दे हेल्प अस टू रीच स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? हम ट्रांसपोर्ट से काम के लिए जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल्स जाते हैं। दे हेल्प अस टू रीच स्कूल, स्कूल आने में मदद करते हैं। येस और नो? येस, हम लोग बाइक से आते हैं, बस से आते हैं, ये सारे क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ओके, दे हेल्प अस टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दे हेल्प अस टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयरफॉर विथआउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आवर लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट से हम क्या करते हैं? स्कूल आते हैं, मार्केट जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, है ना, अपने दोस्तों को मिलने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, है ना, मेहमान जाते हैं, कुछ सामान लाना है कहीं से, तो हमें किसके ज़रिए हमें लाना है? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ओके, गाड़ी से लाना है, ट्रक से लाना है। ओके, यदि जल्दी जाना है हमको तो किसके ज़रिए जाएंगे? हम एरोप्लेन से जाएंगे। क्लियर, मछली पकड़ने जाएंगे तो किसके ज़रिए जाएंगे? बोट से। ओके, ये सारे चीज़ें नहीं होते तो हमें बहुत सारे तकलीफ महसूस होता। ओके, टाइम टू आंसर, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सेकेंड नंबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थर्ड नंबर, आवर लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट विथआउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, थैंक यू।